अफगानिस्तान पुलिस फोर्स में काम कर चुकी एक महिला की खौफ भरी दास्तां आइए आपको सुनाते हैं। मुस्कान किसी तरह जान बचाकर दिल्ली भाग आई, लेकिन उन्हें अब अपने परिवार की चिंता सता रही है। मुस्कान तालिबान का वो सच बता रही हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहाँ पे हालात जो तालिबान महिलाओं के लिए होता है यही है कि उनका हक नहीं है बाहर जाना, एजुकेशन का कोई हक नहीं है कि वो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाए, जॉब के बहुत दूर के बात है। और वहाँ पे अगर काम करना वो भी एक एज अ पुलिस ऑफिसर के जैसे, वो तो बिल्कुल मतलब उनका सजाए मौत होते हैं या फांसी डालते हैं सबके सामने, या तो उनको सड़क में बैठ के उसके ऊपर टप्पड़ मारते हैं, या तो पत्थर मारते हैं, या तो वो एक जैसे के बेल्ट जैसे हो गए, मुझे नहीं पता, जैसे कि एक रबर है बहुत बड़ा उनको लेके एक दो तीन चार पाँच लोग वो लेते हैं। और तो ये है वो तस्वीर और ये है वो हकीकत जिसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से अभी बात की जा रही थी कि ये अमन की जो किरण है वो फूटी है वहां पर। हमारे साथ अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, उन्हीं से आइए बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो तस्वीरें और ये जो हकीकत है ये उससे कितनी उलट है जो तालिबान दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नीलाम दुनिया को तालिबान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम बदले हुए तालिबान हैं, लेकिन बदला हुआ तालिबान कहाँ है वो तो दिख ही नहीं रहा। मैं ये तालिबान तो कभी भी बदल नहीं होने वाला है। मुझे एक सवाल पूछना है, ये तो पाकिस्तान तो एक्सेप्ट किया था और इसको तो सब पूरा वर्ल्ड को पता है कि तालिबान को पाकिस्तान जगा दिया और इसके पीछे कौन कौन पावरफुल कंट्री है, इसको तो या अमेरिका या कुछ भी कंट्री है, ये लोगों ये सब को एक्सेप्ट किया था और पूरा दुनिया को पता भी है। मैं ये पूछती हूँ कि ये तालिबान के पास पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, उसको मतलब भाई बहन मतलब पूरा फैमिली नहीं है, उसको वाइफ नहीं है, फिर ये तालिबान कहाँ से मिला? जैसे ये मुर्गी को जब बना दूंगी फार्म में, ये फार्म कहाँ से मिला इस लोगों को? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके में मतलब ये तालिबान का जन्मदिन हुआ है जब उसके पास मम्मी पापा नहीं है, उसके पास फैमिली नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। बड़ी अहम बात ये कह रही हैं आप, हाँ, परिवार नहीं है, इनके कोई इमोशंस नहीं है, ये किस तरह के फार्म में पैदा किए गए हैं, कैसे इनको पाला पोसा और बड़ा किया गया कि इनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, किस तरह से ये जुल्म ढा रहे हैं लोगों के ऊपर? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो दहशत लोगों है, ये जो आतंकवादी है, इसके फार्म कहाँ से मतलब इसके पैदाइश कहाँ से हुआ? जगह तो पता है कि जगह पाकिस्तान है और फार्म तो पाकिस्तान में बना हुआ है, ये किडनैप होगा, ये हर कंट्री को बच्चे को किडनैप करके आया, ये इसको कैसे लेके आया, मतलब ये बच्चों कहाँ से मिला के बाद में ये फार्म बनाया, ये धीरे धीरे में इसको ग्रो अप होगा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये छोटा छोटा बच्चे को मतलब ये लोगों ग्रो अप किया था। आपकी जो मासूमियत है आपका जो ये एक मासूम सा सवाल है, इसका जवाब दुनिया के कई मुल्कों को पता है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।